अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ बात करेंगे लेक्चर नंबर 33 के ऊपर। मैथ 302 का लेक्चर है। अगर आप लेक्चर 32 नहीं देखा हुआ और डायरेक्ट 33 देख रहे हैं तो यकीन है ये लेक्चर आपको समझ इतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 32 में इसका हमने हाफ पार्ट तकरीबन किया हुआ है। ये उसी के सीक्वल है, समझे इसको 33 लेक्चर को। तो 32 लेक्चर आप पहले कर लें, फिर 33 पे आएँ और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एक्सेल की प्रिंट स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये हमने यहाँ तक जो कैलकुलेशन थी हमने लास्ट के अंदर कर चुके थे। अब ये जो कैलकुलेशन है हम इसको थोड़ा सा आपके साथ दोबारा रिव्यू कर देते हैं क्या है, फिर हम आगे चलते हैं। हमारे पास एक सेल्स डाटा था, 3 दिन का डाटा था एक स्टोर का। उसके में मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, आपको पता 3 ही दिन के अंदर ऐसे हम अक्सर बात करते हैं मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। तो 3 तरह से 3 स्टेप में उसने डाटा दिया हुआ एक डिपार्टमेंट स्टोर का। मॉर्निंग का 170 था, आफ्टरनून का 140 था, इवनिंग का 230 था। इसको अब छोड़ दें कि रुपीज़ है, वट एवर आइटम है, कोई जो कुछ भी है, आप नंबर्स के साथ खेलें बस, ठीक है जी। और हमने मूवी एवर पे बात की थी कि पहले 3 नंबर का, जब आप पहले 3 नंबर 172, 140, 230 जब आपने उसका मीन लिया था, एवरेज लिया था, तो हमने उसको 140 जो सेंटर वाला तीनों का नंबर होता है उसके सेंटर में रख दिया था। तो इस तरह हमारे पास जो नंबर आए थे उनको हमने इस तरह स्टार्ट वाला एक नंबर छोड़ रहे थे और अगला एक नंबर ले रहे थे, ठीक है, उनको मीन निकालते जा रहे थे। इस तरह हमने तीनों जो नंबर थे जिनका एवरेज ले रहे थे उनके सेंटर में हम प्लेस कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है जी। 180 से लेके 195 इस तरह चलते गए और नंबर हमने कैलकुलेट जो किए थे उनको हमने कहा ये मूविंग एवरेजेस हैं। मूविंग एवरेज को हमने कहा कि हम यहाँ से ऑनवर्ड हम बात करेंगे, इसको कहेंगे ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड के बाद फिर हमने क्या किया था, उसके बाद हमने ये जो आखिरी कॉलम है इसको हमने कहा था सीजनल वेरिएशंस, ठीक है। हमने वो कैसे कैलकुलेट थी, 140 ये वाला नंबर जो 180 के सामने पड़ा हुआ, 140 माइनस 180 करके हमने निकाला था, माइनस 40 230 के माइनस 182 किया था, जैसे निकालते करें हम, ठीक है जी। ऐसे कि हमने एक्चुअल माइनस ट्रेंड, एक्चुअल ये वैल्यू थी डाटा वाली और ट्रेंड वाली वैल्यू क्या थी मूवी एवरेज को हमने ट्रेंड कहा। यहाँ पे मूवी इज इक्वल टू ट्रेंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं हम लास्ट स्लाइड के अंदर। मैंने जिस डाटा को सीजनल वेरिएशन कहा था, एक बार थोड़ा सा आप दोबारा देख लें इसको, ये माइनस 40 इस डाटा को मैंने कहा था जी सीजनल वेरिएशन, माइनस 40 आफ्टरनून का डाटा सीजनल वेरिएशन का माइनस 40 है, इवनिंग का सीजनल वेरिएशन का 48 है, मॉर्निंग का माइनस 10 है, ऐसे सारा आप डाटा देख लें, ठीक है जी। ये सीजनल वेरिएशन का डाटा, अभी ये जो डाटा है इसकी क्या करेंगे हमने, एवरेज सीजनल वेरिएशन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगली स्लाइड पे आ गए हम डे वन का। ज़ाहिर डे वन के अंदर मॉर्निंग भी थी, आफ्टरनून के लिए ए यूज़ किया है, ई यूज़ किया है इवनिंग के लिए, डे टू के अंदर भी और डे थ्री के अंदर हमने ऐसे लिख लिया। और अब डाटा पुट करते हैं हम। डे वन के अंदर जो जीरो पहले लिखा हुआ है, अब यहाँ देखें मॉर्निंग के सामने जो है सीजनल वेरिएशन जीरो है, यहाँ कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर जीरो कर दिया इसको। फिर डे वन के अंदर ए के आगे माइनस 40 लिखा हुआ, मीन्स कि आफ्टरनून। डे वन के अंदर आप जाएंगे, डे वन, ये डे वन आफ्टरनून माइनस 40, ठीक है जी। अभी हमने माइनस 40 यहाँ पे आफ्टरनून में प्लेस कर दिया। अभी दोबारा हम वापस चलते हैं और इवनिंग का डाटा 44 देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, 48 देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। डे वन के अंदर आए हम, डे वन ये लिखा हुआ है, इवनिंग लिखा हुआ है, इवनिंग के अंदर वेरिएशन में 48 ये लिखा हुआ, सही हो गया जी। और ये इस तरह 48 मैंने डे वन के लिए आपका डाटा कंप्लीट कर दिया है और डे टू के लिए अब कंप्लीट करूंगा, बाकी डाटा आप खुद ही कंप्लीट कीजिएगा। डे टू के अंदर आते हैं, डे टू ये है, मॉर्निंग के सामने क्या लिखा है माइनस 10 और आफ्टरनून के सामने लिखा माइनस 30 और इवनिंग के सामने लिखा हुआ 44, माइनस 10 30 माइनस 35 44, ठीक है जी। अभी आगे चलते हैं, माइनस 10 माइनस 35 44, ठीक है। डे थ्री का इसी तरह हम ले उसी तरह देख लीजिएगा, जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ आपने जीरो पुट कर देना। अभी इसके एवरेज निकालते हुए थोड़ी सी हमने एहतियात करनी है कि टोटल आपने देखें माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 हो गया, इनको टोटल करें तो माइनस 109 आ गया और 48 44 करेंगे तो 92 आ गया। अभी इनका एवरेज लेना है हमने, ठीक है जी। अब दो कितने नंबर जमा किए हमने, सिर्फ दो। ये जो जीरो है ना, जीरो उधर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, हमने तो वैसे खाना पूरी के लिए जिस तरह कहते हैं कि बस इसमें जीरो तो लिख सकते हैं ना, तो हमने वो जीरो बस अपने पास से डाल दिया। एक्चुअल डाटा हमारे पास सिर्फ दो थे, तो इस वजह से हमने सिर्फ दो से माइनस 20 को टू से डिवाइड करना, माइनस 10 आ गया क्योंकि ये 3 डाटाज हैं और माइनस 109 को हमने डिवाइड किया माइनस 33 से, तो माइनस 36 आंसर आ गया। इसी तरह हम टू से डिवाइड करेंगे 92 को, तो 46 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज सीजनल वेरिएशन, ठीक है। कौन सी वाली, माइनस 10 माइनस 36 46। मॉर्निंग की एवरेज सीजनल वेरिएशन है माइनस 10,
आफ्टरनून की एवरेज सीजनल वेरिएशन -30 और एवरेज सीजनल वेरिएशन है इवनिंग की 46, ये याद रखिएगा। आगे चले अभी हम, यहाँ तक काम करने के बाद हम पहुँच गए डे वन के ऊपर। अगर फर्दर अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमने एक अभी सीजनल वेरिएशन ने निकाल ली जिसको, और अभी हम निकालने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड डिमांड और रैंडम वेरिएशंस डिमांड के अंदर, ठीक है जी, या सेल एक्सपेक्टेड सेल या उसके अंदर वेरिएशन हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है जी। पास्ट की बेस पे समझे हमने एनालिसिस कर रहे हैं, पास्ट डेट है ना, 3 दिन गुजर गए उसकी डेट हमारे पास आ रहे हैं। आफ्टर नून ट्रेंड मूविंग एवरेज, देखिए मैंने कहा था जो मूविंग एवरेज है उसको हम ट्रेंड कहेंगे, तो आफ्टर नून ट्रेंड मूविंग एवरेज मैंने खुद ब्रैकेट में लिख दिया है, बुक के अंदर आपके पास लिखा हुआ नहीं होगा। तो ये 180 बनता है, वो आफ्टर नून ट्रेंड कहाँ से उठाया है, आफ्टरनून ट्रेंड में जाएंगे, ये आफ्टरनून है और मूविंग एवरेज को ट्रेंड ट्रेंड का हमने 180 यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है जी। अभी आगे दोबारा आ जाए, आफ्टरनून सीजनल वेरिएशन -36, ये कहाँ से आएगी, एवरेज वाली उठानी है, एवरेज सीजनल वेरिएशन, बुक में सीजनल वेरिएशन लिखा है आपने, एवरेज सीजनल वेरिएशन समय में आसानी के लिए पूरा वर्ड लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आफ्टरनून के अंदर -36 हमारी क्या बनी थी, तीनों दिन की एवरेज सीजनल वेरिएशन। चले जी, ये मैंने 36 भी लिख लिया। अभी फार्मूला याद रखने वाला आ गया है, एक्सपेक्टेड सेल्स क्या होगी, ठीक है, एक्सपेक्टेड सेल्स क्या होगी, इसका फार्मूला है ट्रेंड प्लस एवरेज सीजनल वेरिएशन। ट्रेंड क्या था हमारे पास, वो ही मूविंग एवरेज वाली वैल्यू 180 यहाँ मैंने में लिख दी है, -30 एवरेज सीजनल वेरिएशन जो है तीनों दिन की, जो आफ्टरनून की थी -36 थी, ये प्लस साइन जाहिर माइनस फिगर तो माइनस होगा, 144 आ जाएगा। अभी हमने निकाला रैंडम वेरिएशन, जैसे ट्रेंड आपने देखा कि आपने वेरिएशन के ऊपर ट्रेंड जब ड्रा किया था मूविंग एवरेज से कैलकुलेट करके तो देखा तो वो बड़ी स्मूथ सी एक लाइन आ रही थी। अब देखना कि उस ट्रेंड के ऊपर कितनी वेरिएशन है, जो सीजनल एक वेरिएशन आ जाती है तो वो कितनी होगी, वो हमने एक्चुअल वैल्यू 140 हमने ली, एक्चुअल 140 वाली हमने कौन सी वाली ली है ये आपको दिखा देते हैं। आफ्टरनून के ऊपर हम काम कर रहे हैं, आफ्टरनून के ऊपर क्योंकि हमारे पास पहला ट्रेंड ही आफ्टरनून से स्टार्ट हो रहा था, इसमें अब आफ्टरनून से हमने स्टार्ट किया, आफ्टरनून पहले डे का आफ्टरनून 140, ठीक हो गया जी। आगे चले हम, और रैंडम वेरिएशन के लिए फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू रैंडम, जो रैंडम वेरिएशन इसको अकेला रैंडम भी लिखा हुआ है उसने, ठीक है, तो आपने ये कन्फ्यूज नहीं होना रैंडम वेरिएशन और रैंडम अगर वर्ड आ जाए दोनों, इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, एक्चुअल वही 140 है, एक्चुअल मीन्स जो डाटा इनिशियली हमें दिया था वो वाला, एक्सपेक्टेड हमने 144 कर लिया, तो ये -4 हमारा आंसर आ गया रैंडम वेरिएशन कैसे निकालते। याद है हमने स्टार्ट में स्टडी किया था, ट्रेंड स्टडी किया था, सीजनल वेरिएशन स्टडी की थी, रैंडम वेरिएशन स्टडी की थी, ठीक है, ये सारी वो कैलकुलेशन हो रही हैं। अच्छा, अभी कंक्लूजन में आप ये फार्मूला, मैंने जो भी फार्मूले हमने बनाए थे वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ट्रेंड के अंदर ट्रेंड इज इक्वल टू मूविंग एवरेज, मीन्स की मूविंग एवरेज जो कैलकुलेट करते हैं वही आपके ट्रेंड वाली वैल्यूज कैलकुलेशन में यूज होंगी, उसी को ट्रेंड कहेंगे। सीजनल वेरिएशन में सीजनल वेरिएशन कैसे कैलकुलेट है, एक्चुअल माइनस ट्रेंड, ट्रेंड क्या था मूविंग एवरेज थी, तो एक्चुअल माइनस ट्रेंड से सीजनल वेरिएशन आपके पास निकल आएगी, ठीक है। सीजनल वेरिएशन से आपने फर्दर जो एवरेज सीजनल वेरिएशन निकाली थी वो भी आपको याद होगा। फिर एक्सपेक्टेड का क्या फार्मूला होगा, था इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस एवरेज सीजनल वेरिएशन, ठीक है। रैंडम वेरिएशन का क्या फार्मूला, इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल, ठीक है जी। ये मुझे एक मिनट यहाँ पे वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी मुझसे, रैंडम वेरिएशन इज इक्वल टू ट्रेंड माइनस एक्सपेक्टेड, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है जी, रैंडम वेरिएशन इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, टाइपिंग एरर थी मैंने रिमूव कर दी है, तो आपने ये फार्मूला याद कर लेने हैं इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए। अच्छा, ये वाला अभी उसी वही क्वेश्चन चल रहा है, अभी ये आपको एक्चुअल एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएशन जो कैलकुलेशन हमने की, एक्चुअल एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएशन हमने एक सिर्फ आफ्टरनून के लिए कैलकुलेट की है ना, अभी बाकी सब के लिए जो बाकी डाटा भी था हमारे पास मूविंग एवरेज का सारा हमने जो कैलकुलेट किया था, वो 6-7 वैल्यूज बन रही थी, तो उसको हमने वन बाय वन सबको कैलकुलेट करना है। तो ये आपके बुक के अंदर ऐसे हैंडआउट्स के अंदर ये टेबल बना हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैंने आसान किया ऐसे करके, ये टेबल आप फॉलो करें, उसके अंदर वैल्यू पुट कर लें। देखिए जी, आफ्टरनून का हमने कैलकुलेट किया 140 था, एक्सपेक्टेड निकाला 180 -36 144 -144 इक्वल टू -4 तक, ये कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाई है एक करके। आपने बाकी सब की इवनिंग की मॉर्निंग की आफ्टरनून सारी मैंने कैलकुलेशन आपको कर दी है, जिस तरह कैलकुलेशन मैंने आफ्टरनून की है, ठीक है,
एक्सपेक्टेड कैसे निकाला, ट्रेंड की वैल्यू उठाई, प्लस किया सीजनल के साथ। फिर हमने रैंडम कैसे निकाला था, रैंडम इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड हमने 144 यहाँ से मिल गया था और एक्चुअल हमें 140 यहाँ से मिल गया था। बिल्कुल आपने इसी तरह सारे बाकी के कैलकुलेशन भी कर लेनी है। सही है, तो आपके लिए आपका इशू जो है, ये वाला जो इशू कह रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये हमने जो सारी कैलकुलेशन कर ली, हमने जो हमने कैलकुलेशन की वो थी तीसरे दिन के आफ्टरनून तक। ठीक है, अभी समझे कि उसी के से आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा, फोरकास्ट कर करके बताएं, वो तो पास डेटा था। अभी कह रहे फोरकास्ट करके बताएं आप कि चौथे दिन के, फोरकास्ट ऑफ डे फोर के चौथे दिन के ऊपर आपकी सेल्स क्या होगी या आपकी डिमांड क्या होगी आपके स्टोर की। ठीक है, मैंने कहा था वो डाटा जो भी है तो आप उस डाटा के साथ कन्फ्यूजन हो, जिस नंबर के साथ खेले हो। फोरकास्ट ऑफ डे फोर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपने, टेन फार आफ्टर फोर नून ऑफ डे फोर। ठीक है, फोरकास्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला देखें। अब आफ्टर नून का अगर आपके पास है डाटा, उसके अंदर ट्रेंड वही मूविंग एवरेज वाला डाटा है, अगर डे फोर का आपने जस्ट फोरकास्ट करना है उस डे के लिए कि सीजनल वेरिएशन उस पर एडजस्ट कर देनी है। ठीक है, ट्रेंड होता है वो डाटा जो आपके आपने एक मूविंग एवरेज निकाल के प्लॉट कर लिया था, आप देख रहे हैं कि उस 4 डे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वेरिएशन हो सकती है, तो आप फिर कहते हैं कि सीजनल के हिसाब से थोड़ी बहुत हो सकती है, अदरवाइज ये डाटा इसी तरह ही चल रहा है। ठीक है, फिर हमने देखें हमने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। एक समझे कि फोरकास्ट ये येलो वाला आपके पास क्वेश्चन किया हुआ है इन्होंने, अभी ट्रेंड देखें हमने। अब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेट करेंगे, ट्रेंड इज इक्वल टू, ट्रेंड क्या मतलब, वही मूविंग एवरेज वाली वैल्यू, ट्रेंड इज इक्वल टू 180 to 195। मतलब ट्रेंड कहाँ से मूव किया था, 180 to 195। मैं दिखा देता हूँ आपको, परेशान ना हो। ये देखें जी, 180 से 195 मूविंग एवरेज थी, जो वही ट्रेंड था हमारा। सही है जी। अच्छा, ये देख लिया आपने, अभी इसके इंटरवल भी काउंट कर लें इधर से। देखें जी, 180 to 182 एक इंटरवल, 180 to 186 दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 इंटरवल में 185 से लेके 195 तक ट्रेंड के अंदर चेंजेस आई, 6 इंटरवल के अंदर। ठीक है, मीन्स के कितने सीजनल वेरिएशंस आए, आफ्टरनून आफ्टरनून इवनिंग को आप एक सीजन समझ रहे हैं ना। सही है, तो आफ्टरनून से इवनिंग में जाने में एक सीजन हो गया, और इवनिंग से मॉर्निंग में जाने में दूसरा सीजन हो गया, तो ये मॉर्निंग से आफ्टरनून तीसरा सीजन ऐसे काउंट करेंगे। तो जहाँ पे 195 पड़ा हुआ है, इसके सामने आफ्टरनून तक काउंट करेंगे, 6 बनेंगे। अभी हम दोबारा अपनी दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है जी, अभी हम इस कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं। 180 to 195 डिफरेंस, 195 to 180 करेंगे, 15 आया। इंटरवल कितने थे, 6 इंटरवल, ये इतना चेंज आया था ना, तो डिवाइड बाई 6 कर दिया, 2.5 पर पीरियड, वही हमारा मॉर्निंग से इवनिंग में जाने में एक पीरियड हो गया। तो एक पीरियड में कितना उस डाटा में चेंज आ रहा था, 2.5। ठीक है, 2.5 क्या, वही नंबर, मतलब कोई रुपीज़ भी हो सकता है, कोई यूनिट भी हो सकता है, वाट एवर। अच्छा, अभी हमने तीसरे डे के आफ्टरनून तक डाटा कैलकुलेट किया होता, तो तीसरे डे का आफ्टरनून तक डाटा ट्रेंड वाली वैल्यू हम उठा सकते हैं, 195। 195 आपको मैं दिखाऊंगा एक बार दोबारा, चले दिखा देते हैं जी। ये देखें जी, आफ्टर थर्ड डे आफ्टरनून का डाटा ट्रेंड वाला 195, सही हो गया जी। दोबारा वापस चलते हैं, 195 प्लस ट्रेंड पर पीरियड। ट्रेंड पर पीरियड क्यों कर रहे हैं, क्यों हमने फोरकास्ट ऑफ डे फोर, हम डे फोर तक जाना है। ठीक है, तो हमने अभी तीसरे डे तक है, तो हमने 2.5 पर पीरियड, आफ्टरनून से इवनिंग तक हो जाएगा 197.5। 197.5 में 2.5 और ऐड करेंगे तो चौथे डे की मॉर्निंग तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 2.5 आ गया। फिर अगर फर्दर 2.5 ऐड करता हूँ तो आफ्टरनून ऑफ डे फोर तक पहुँच जाएंगे, तो 202.5 ट्रेंड के हिसाब से, अगर यही ट्रेंड चलता रहे तो चौथे डे तक 202.5 हमारी वो सेल्स होंगी। ठीक है जी, अभी हमने क्या कहा था कि ट्रेंड फॉर आफ्टरनून ऑफ डे फोर के अगर सीजनल वेरिएशन ऐड कर दें तो हमारे पास फोरकास्ट ऑफ डे फोर निकल आएगा। तो हमने 202.5 में सीजनल वेरिएशन हमने डाल दी -36। ये कैसे डाली है, वही सीजन एवरेज सीजनल वेरिएशन आफ्टरनून की जाके देखेंगे हम, तो वो आपको दिखा देता हूँ। बाकी फोर का क्या होगा, अच्छा एक्सपेक्टेड और फोरकास्ट आपको जब स्टार्ट वाली कैलकुलेशन से हम निकल के एंड तक जाएंगे तो एक्सपेक्टेड फोरकास्ट यही होता है कि फ्यूचर के लिए आप कह सकते हैं ना कि जी एक्सपेक्टेड ये कितनी वैल्यूज़ होंगी हमारे पास, या इतना पैसा होगा हमारे पास, या इतना बिजनेस फैल जाएगा, तो वो फोरकास्ट भी ये होता है। वो आप फोरकास्ट कर रहे होते, पेशेंट को ही कर रहे होते हैं, ठीक है, एस्टिमेट कर रहे होते हैं। तो 202 पॉइंट यहाँ से उठाया, 202.5, और सीजनल वेरिएशन आफ्टरनून की यहाँ से उठाई -36,
और 166 आपका आंसर आ गया। -36 आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए जी, ये अच्छा ये -36 आफ्टर नून का, हम क्योंकि -36 ही चल रहा है तो हमने -36 एवरेज जो निकाली हुई थी उसमें ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आप देख चुके। ये ले, ये आपके लिए आंसर को दोबारा थोड़ा मैग्नीफाई करके मैंने लिख दिया है, ठीक है जी। इसके लिए आपने फोरकास्ट के लिए 10 माइनस एवरेज सीजन वेरिएशन वाला फार्मूला याद रखना है और ये प्रैक्टिस ही आएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी लेकिन थोड़ा सा टेबल के साथ मैनिपुलेशन आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा नेविगेशन करनी पड़ेगी, कभी टेबल पे जाना है, कभी एवरेज उठानी है, ये उठाना है, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। आप आगे चल, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ सी और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं तीन बातें बता देता हूँ आपको। देखिए सीजन वेरिएशन जब हमने कैलकुलेट की तो हमने थ्रू आउट कैलकुलेशन को ये अज्यूम कर लिया रिगार्डेड एज कॉन्स्टेंट अमाउंट, क्या ये कॉन्स्टेंट चलेगी, तो ऐसे होता नहीं है। लेकिन क्या है कि स्टेटिस्टिक हो या मैथमेटिक्स हो तो उसके अंदर कुछ चीज़ें अजम्पशन करनी पड़ती है। रीजनेबल अजम्पशन यही था कि सीजनल पीक्स और टफ्स आर रफली ऑफ कॉन्स्टेंट साइज, कि उनको हम कंसीडर करें कि कॉन्स्टेंट चलेंगी, तभी आप कैलकुलेशन किसी नतीजे पर पहुँच सकती। इन प्रैक्टिस क्या होता है, मतलब रियलिटी में क्या होता है, सीजनल वेरिएशन भी जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं होती, ठीक है जी। तो ये आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अभी जो अभी कैलकुलेशन की थी उसको ऐसे प्लाट करके दिखाया है, जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाला जो है डाटा सारा, ये वो डाटा है जो कि इनिशियली हमारे पास था, उन पर प्लाट किया होता। और ये जो अभी सियान कलर, इसको सियान कलर जो है, ये कलर अब उर्दू में पता नहीं इसका नाम को इतना मुझे क्लियर नहीं है, पता नहीं स्काई ब्लू है क्या है। तो सियान कलर का जो ये है लाइन, ये हमारी जो फाइनल हमने कैलकुलेशन की है उससे ये लाइन बनी है, ठीक है जी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन अगला हमारा क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम मतलब वही वाला नहीं है, कहने का मतलब कि थोड़ा सा डाटा चेंज है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास तीन थे क्वार्टर, क्वार्टर मींस तीन सीजन थे या दिन में तीन ही से बनाए थे, मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून। इसके अंदर क्वार्टर पे मींस साल के अंदर जैसे चार क्वार्टर होते हैं, थ्री मंथ ईच आप करें तो साल के चार क्वार्टर बन जाते हैं, तो उस बेस पे ये डाटा हमें सीजनल डाटा दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। या इस तरह कह लें कि जो है एक साल के अंदर पाकिस्तान में चार सीज़न होते हैं, ठीक है जी, ऑटम होता है, स्प्रिंग होता है, समर विंटर होता है, उस बेस पे हमें डाटा दिया। ये 1 2 3 4 एक साल हो गया, 1 2 3 4 दूसरा साल हो गया, 1 2 3 4 चौथा है यहाँ से कटा हुआ है, तो वो डाटा भी आपके आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे तीन साल हो गए, ठीक है जी, कटा मतलब कि हमें वो डाटा उनसे तीन साल तक थर्ड तक दिया है तीसरे साल का। आगे हम फोरकास्ट भी हमसे कुछ करवाएगा ना। अच्छा ये डाटा देखें, हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि इसका वही चीज़ है, एक्सपेक्टेड सीजन वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल वही तरीका है, बस इसमें थोड़ा जो या फर्क मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल डाटा हमें दिया 142, 54, 162, ये सारा डाटा हमें दिया गया। अभी देखिए हमारे पास 1 2 3 4 चार क्वार्टर दिए, ठीक है, फोर क्वार्टर दिए, उसमें थे तीन, तीन के लिए मूवी एवरेज जब भी निकालते हैं तो आप सेंटर में प्लेस करते हैं। मूवी एवरेज का तरीका कर या कपड़े सेंटर में प्लेस करनी होती है, तीनों वैल्यू के सेंटर में प्लेस करनी होती है जो आप कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर चार का सेंटर कहाँ करें, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि चार का जब मूवी एवरेज निकाला जाता है 142, 54, 62, 206, चारों को जमा करेंगे, चार से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास जो आएगा आपने तीसरे नंबर के सामने, तीन के सामने 162, इसके सामने नंबर प्लेस कर देना है 141, ठीक है। 142 को इसी तरह ड्रॉप करेंगे, 54, 162, 206, 130 को मीन लेंगे इसका और डिवाइड बाई फोर करेंगे, जो नंबर आएगा तीसरा नंबर अभी कौन सा बनेगा, अभी नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे, 206 बनेगा, 138 के सामने प्लेस कर देंगे, 206 के सामने 138 प्लेस कर देंगे, ठीक हो गया जी। अब ये सारे हम मूवी एवरेज निकालते हैं। मूवी एवरेज को मैंने क्या कहा था पहले कि इनको ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मूवी एवरेज क्योंकि थर्ड नंबर के सामने प्लेस करें तो इसमें थोड़ी सी और हमने वर्किंग करनी है। वर्किंग क्या होगी कि हर कंजेक्टिव दो नंबर को 141, 132, 8 का मीन लेंगे, डिवाइड बाई टू करेंगे, मतलब 141 को और 138 को जमा करें, डिवाइड बाई टू करें तो आंसर जो आएगा 139.5 जो आएगा, आपने 141 पहले नंबर के सामने रखना है, ठीक है। फिर 138, 137 को प्लस करें, डिवाइड बाई टू करेंगे, मीन मतलब जैसे लेते हैं तो आपने 138 पहले वाले नंबर के सामने रखा, 137.5, ठीक है। इस तरह हम करते जाएंगे और सारे आपके पास नंबर आ जाएंगे ये वाले, ठीक है जी। और ये सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस को ट्रेंड कहेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमने कहा था मूवी एवरेज को थोड़ी वर्किंग करेंगे, पिछले क्वेश्चन में मूवी एवरेज को ट्रेंड कहा था, जहाँ सेंटर मूविंग एवरेज को हमने ट्रेंड कहना है, सही है जी। सारी वैल्यू आपके पास आ गई। अभी आपने तीसरा काम जो हमने कर रहे थे उधर भी, एक्चुअल माइनस ट्रेंड, एक्चुअल क्या हमारे पास, जैसे 139.5 के सामने एक्चुअल क्या है 162, 162 माइनस 139.5, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड हमारा ये है,
22.5 आ गया, 206 माइनस 138 सॉरी 137.5 क्या आ गया, 68.5 ये आ गया। इसी तरह एक्चुअल माइनस ट्रेंड करके हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट करते थे। और इसके बाद अगला काम क्या करते थे, ये इसको हमने कहा था ये सीजनल वेरिएशन हमारी, इसके बाद हम सीजनल वेरिएशन की एवरेज निकालते थे। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते थे, हमने ये जो इसके साथ उनको अलाइन कर देते थे, आपको आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूँ। जैसे पहले तीन जो चार थे, जैसे 1, 2, 3, 4 को उसने कहा 1993, दो 1993 का डाटा है। 1, 2, 3, 4 जो सेकंड था उसने कहा जी 1994 का डाटा है। 1, 2, 3 उसने कहा जी 1995 का डाटा है। उसी तरह हमने स्प्रिंग, 1, 2, 3, 4 जो थे, 1 को कह दिया स्प्रिंग है, सेकंड को कह दिया समर का सीज़न है, एटम को कहा, थर्ड को कहा ऑटम है, और थर्ड को कहा, फोर्थ को विंटर है। डाटा उसके सामने उसी तरह हमने देख के प्लेस कर लेना है। जैसे 1993 1993 का डाटा, मैं पहला अगर डाटा बताऊँ 20 इसके सामने, जो यहाँ पे 142 के सामने क्या है, इधर ज़ीरो पड़ा हुआ है, और दूसरा के सामने 54 के सामने ज़ीरो पड़ा हुआ है, दो ज़ीरो आ गए, तीसरे सामने 22.5 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। 1993 के स्प्रिंग पहला ज़ीरो, समर भी ज़ीरो, ऑटम के 22.5, आगे एक बार फिर देख लेते हैं। और जो चौथे फोर नंबर के सामने जो कि हमारा विंटर था, ये आ गया 68.5, और हमने इस विंटर के अंदर 68.5। इसी तरह 1994 1995 का डाटा आपने इसी तरह पुट करना, जो डाटा ना आए नज़र सीजन वेरिएशन के अंदर वहाँ पर ज़ीरो प्लेस कर देने। ठीक है, अभी अगेन अगला वही काम करेंगे हम, तीनों ऐड करेंगे, ज़ीरो तो हमने खुद लगाए हुए ना, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 16 आ गया, डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, दो से डिवाइड करना, ज़ीरो हमने खुद लगाए हुए, माइनस 8 एवरेज आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 177.5 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे, माइनस 88.8 आ जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे, ये आंसर हो, ये आ जाएगा यहाँ पे राउंड, माइनस 8 वैसे का वैसे, माइनस 88.8 को हमने माइनस 89 उसको राउंड ऑफ कर दिया, इसको भी राउंड ऑफ कर दिया, इसको भी राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है जी, हमारे पास ये एवरेज सीजनल वेरिएशन ये वैल्यूज आ गई। अच्छा जी, अभी अगला काम ये वाला जो है टेबल आप देख लें, थोड़ा मुश्किल सा है लेकिन मैंने वर्किंग करके इसको आसान सौखा कर दिया आपके लिए। बिल्कुल इसी तरह का डाटा है। ठीक है जी, स्प्रिंग समर ऑटम विंटर, ये सारा जो डाटा हमने ऐसे क्यों लिखा है, हमने देख ली कि एक्चुअल वैल्यूज आपके पास कितनी है, कितनी है वो हम आपको दिखाते हैं कितनी है। ठीक है जी, हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल एक्सपेक्टेड और रैंडम। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। हम तो पिछली स्लाइड पे जाएंगे, पिछली स्लाइड से जाने से पहले आप एक चीज़ काउंट कर लें, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 वैल्यू ही क्यों ली हमने, ये आपको दिखाते हैं। वहाँ पे जाके जहाँ से वैल्यू हमने उठाई है वहाँ पे हम आ गए। अच्छा, वहाँ पे ये देखें, यहाँ से काउंट करें 142 से लेके यहाँ तक, ये बन जाती है 11 वैल्यूज हमारे पास, लेकिन हमने उधर 8 वैल्यूज लिखी है। वो क्यों लिखी है, क्योंकि हमारे पास सेंटर मूवी अभी जो कि ट्रेंड की वैल्यूज जितनी होती है उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि हमने ट्रेंड एक्चुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड निकाली है, तो वो तो हम इसकी निकाल सकते हैं ना। तो ट्रेंड वाली वैल्यूज यहाँ से उठाई, उधर हमने सारी लिख ली, और इन्हीं ट्रेंड के सामने जो एक्चुअल वैल्यू थी 16206, ये इन 8 वैल्यूज़ के सामने ये वाली, तो हमने वो सारी उधर प्लेस कर ली। अभी दोबारा उसी स्लाइड पे हम चलते हैं। ठीक है जी, ये आ गए हम यहाँ पे, एक्चुअल वाला डाटा वहाँ से उठा लिया, आपको बता दिया। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल, आपने ट्रेंड की जगह वही सेंटर्ड मूविंग एवरेज की वैल्यू उठानी है यहाँ पे। ठीक है, ट्रेंड की जगह पे सीजनल वेरिएशन, आपको पता है कि एवरेज सीजनल वेरिएशन आपने वैल्यू उठानी है। एक ये वाला बॉक्स जो है वो आपके लिए मैं कर देता हूँ, आप बाकी देख लीजिए। जी, ट्रेंड की वैल्यू पहले हम देखते हैं 139.5 कैसे है स्प्रिंग के अंदर। इस स्लाइड के ऊपर आप आ जाएं, ये हमारा स्प्रिंग बंदा 3 नंबर वाला, 139.5 हमारी ट्रेंड की वैल्यू सेंटर मूविंग एवरेज वाली। ठीक हो गया, अभी दूसरी वैल्यू जो थी एवरेज सीजनल वेरिएशन, हमने स्प्रिंग वाली ही देखनी है, वो आप देख लें यहाँ से, ये हमारी आ गई 30। ऑटम के अंदर तीसरा था ना, सॉरी मैं स्प्रिंग कह रहा हूँ, तीसरा था ऑटम था, तो तीसरे के अंदर हमारी एवरेज सीजनल वेरिएशन 30 पड़ी, सही है। अभी जाके इधर देखते हैं तो हमारा वो 139.5 प्लस 30 इज इक्वल टू 169.5, ये फॉर्मूला लिखता है। एक्सपेक्टेड फाइंड कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू ट्रेंड प्लस सीजनल। ठीक हो गया, और रैंडम कैसे निकलेगी, रैंडम वैल्यू एक्चुअल, ये फार्मूला लिखा, माइनस एक्सपेक्टेड, एक्चुअल क्या है 162 और एक्सपेक्टेड क्या है 169.5, हमने कैलकुलेट माइनस 17.5 आ जाएगा। बाकी सब की आपने सब सीजन की वैल्यू खुद कैलकुलेट करनी है, इंशाल्लाह इजीली आप कर लेंगे। जी, उसी तरह का क्वेश्चन अभी हमसे ये कर रहा है कि जी आप हमें फोरकास्ट करके बताओ, आप हमें फोरकास्ट करके बताओ किस चीज़ की,
कि हम इन 1996 के अंदर क्या हमारे पास होगा फोरकास्ट, 1996 की फोरकास्ट करके बताओ। हमने कहा जी ठीक है जी करते हैं। सेल्स स्टेडली डिक्लाइन फ्रॉम 39 to 135.5। ये वैल्यू कहाँ से उठाई आप ये देख लें, ये जी मैंने एरो लगा दिए 1994 से लेके ये 137.5, ठीक है जी, और 1995, सॉरी ये 137.5 नहीं, हमने उठाना है इधर से 139 से उठाना है, क्योंकि हमने आफ्टरनून टू आफ्टरनून डाटा लेना है, एक साल का डाटा हमें चाहिए, ठीक है। इसके लिए चार सीजन का हमने फॉरकास्ट करके आगे फॉरकास्ट कर लेंगे। यहाँ से ये देखें टू है आफ्टरनून, तो इधर टू है आफ्टरनून तक 139 से लेके 130.5 तक हमने डाटा, ये हमारे पास ये चार सीजन का डाटा आ गया हमारे पास, ठीक हो गया जी। अभी आप यहाँ पे आ जाए वही डाटा, फिर आप ओवर लास्ट फोर क्वार्टर में हम बात कर रहे हैं तो डिक्लाइन कितना आ गया, मैक्सिमम 139 को माइनस कर 130.5 से 8.5 आ गया, सही हो गया जी। फोर क्वार्टर मीन्स वन ईयर, अ ट्रेंड इन स्प्रिंग 1995 में 135.5 वैल्यू थी, ठीक है जी। ये आपको दिखा देते हैं, ये ले जी आपके पास ये बनता है स्प्रिंग वन, ये वाला वन वन वाला 133.5। अभी उसी स्लाइड पे चलते हैं, ये जी हमने 133.5 हमने लिख लिया। अच्छा ये क्यों लिखा है, ये इसमें लिखा है कि स्प्रिंग क्यों लिया, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ईयर। एनुअल डिक्रीज़ कितनी है, 8.5 आ गई। अभी देखें ये हमारे पास ट्रेंड भी आ गया और हमें यहाँ पर डिक्रीज़ भी आ गई, मीन्स के वेरिएशन भी आ गई। ट्रेंड करेंगे 133.5 माइनस 8.5, 125 आ गया, ठीक है जी। सीजनल वेरिएशन मीन्स ये 8.5, ये डिक्रीज़ हमने पहले लिख ली, ठीक है जी। अभी हमने फोरकास्ट जब करना है, फोरकास्ट माइनस हमने एवरेज सीजनल वेरिएशन हमें पता थी कि स्प्रिंग के केस में माइनस 8 बनी थी हमारी, तो हमें फोरकास्ट करते हुए ट्रेंड लेना है 1996 वाला माइनस, उसके बाद हमने एवरेज सीजनल वेरिएशन माइनस 8 जो ऐड कर देंगे है ये वाली होगी माइनस, और एक 117 हमारे पास आंसर आ गया। अगर थोड़ी कन्फ्यूजन होगी तो आपने पीछे जो हमने लास्ट पार्ट किया है, लास्ट वाला क्वेश्चन किया, उसी तरह आपने बिल्कुल करना है, ठीक है जी। तो ये जो मेथड हमने की है उसके बारे में थोड़ा ये बता रहा है हमें, और इसके साथ ही माशाल्लाह हमने लेक्चर ख़त्म कर लिया है और इंशाल्लाह आपको अच्छे से ये समझ आएगा। तो ये स्टेटिस्टिक है थोड़ी मुश्किल है, इस वजह से लेक्चर भी समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, मुश्किल भी है, आपने अच्छे से इसको समझना है इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।